तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल टेलीविजन इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक हर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाया रहता है। बीते 15 सालों से ये शो टीआरपी की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है। यही वजह है कि शो का हर किरदार हर घर में अपनी एक अलग अलग जगह बना पाया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से फेमस हुए तारक मेहता से लेकर जेठालाल, बबीता जी से लेकर टप्पू सेना तक सभी इस शो में लाखों में फीस लेते हैं। ऐसे में आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन है इस शो का सबसे महंगा स्टार और किसकी है कितनी नेटवर्थ। सबसे पहले बात करते हैं जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल गढ़ा का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी शो के सबसे महंगे कलाकार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप जोशी की टोटल नेटवर्थ 43 करोड़ रुपए है। दयाबेन उर्फ दिशा वकानी। तारक मेहता शो में जेठालाल की पत्नी दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी शो की दूसरे नंबर की सबसे महंगी एक्ट्रेस है। हालांकि वो फिलहाल तो शो में नजर नहीं आ रही और अब उन्हें वापस लाने की मेकर्स काफी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन खबरें हैं कि दिशा वकानी की नेटवर्थ तकरीबन 37 करोड़ रुपए है। भिड़े उर्फ मंदार चंदवारकर। शो में ट्यूशन टीचर भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार को लेकर खबरें हैं कि उनकी कुल नेटवर्थ 20 करोड़ है। टप्पू उर्फ भव्य गांधी। तारक मेहता शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले एक्टर भव्य गांधी इस शो से काफी पॉपुलर हुए। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कुल संपत्ति $2 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए के आसपास। बता दें कि भव्य गांधी ने कुछ साल पहले ही तारक मेहता को अलविदा कह दिया है। बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता। अपने ग्लैमर अंदाज का तड़का लगाने वाली बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता को लेकर खबरें हैं कि वो 9 करोड़ की संपत्ति की मालिक है। इसके अलावा उनके पास बेहद खूबसूरत और आलिशान घर भी है। हालांकि मुनमुन भी इस शो को छोड़ चुकी है। तारक मेहता उर्फ शैलेश लोढ़ा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने भले ही इस शो को बीते साल अलविदा कह दिया, लेकिन इस शो के जरिए उन्होंने बतौर तारक मेहता हर घर में अपनी दमदार पहचान बनाई। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो तारक मेहता उर्फ शैलेश लोढ़ा की कुल नेटवर्थ 35 से 40 करोड़ रुपए के आसपास है।